मैं श्री अंसार अहमद वजीर, डिप्टी तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक रविंदर हेब्बार नामी एडवोकेट जो हमारे स्टाफ के साथ नाजिबा हरकत की है, कि पहली बार नहीं बल्कि सीतापुर में इससे पहले ऐसा ही उन्होंने किया, गाली गलौज पर उतर आते रहे किसी दूसरों के काम लेकर, और यहाँ तक के दो तीन महीने पहले यही डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक समीर नामी SDC हैं, उनके साथ गाली गलौज करने के अलावा उनसे लात उनको लात से मारा। उन्होंने एक वकील होते पर ऐसा करना बहुत गलत बात है, तो सिर्फ इतना बल्कि डिप्टी कमिश्नर के पर्सनल असिस्टेंट वेंकट वोड़ा उनके साथ भी जाकर इसी तरह नाजिब हरकत की और गाली गलौज पर उतर आते हैं। परसों हाल में 22 तारीख के दिन हमारे तहसील ऑफिस कलबुर्गी के नंबरी सेक्शन के क्लर्क गीता, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। सिंगल वर्ड में बात करते हैं, जैसे कि अपने घर की औरतों को भी कोई बात नहीं करते, तो उन्होंने मुश्ताइल होकर उनको एक तमाचा मारा। आखिरी नौबत क्यों आई ये काबिले गौर तलब बात है। और उन्होंने हमारे स्टाफ के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाया बोकस कंप्लेंट के जरिए। वीडियो पार्शल है, पार्टली लिया गया है, उससे पहले क्या किया उन्होंने नहीं किया है, इसको आगे बढ़ाने के खातिर उन्होंने ये किया है, ये भी काबिले मजम्मत है। नहीं देखिए, हर चीज का कंप्लेंट नहीं होता दुनिया में, 50 केसेस उठाने के बाद जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करवाए, हर चीज कोर्ट में नहीं जाती ना, हर चीज कोर्ट में। देखिए, कॉम्प्रोमाइज करना है फिराक दिल और राजा की बात है, राजा महाराजाओं के दिलों में जो है ना रहम रहता है, वही को हम सामने रखते हुए। ये सवाल है कि आप ये कहें कि ये पहली बार नहीं है, तीसरी चौथी बार ये लोग ये आकर आपकी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो कंप्लेंट क्यों नहीं? ये आज सही वक्त है, हमने ये किया। उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद आप नहीं, कंप्लेंट का मामला नहीं है। देखिए, मामला एक ऑफिस में हुआ वहीं रफा दफा हो, मामला DC ऑफिस में वहीं रफा हो, लेकिन जब एसोसिएशन के लेवल पर जब बात आ रही है तो एसोसिएशन का यही काम है कि ऐसे वाकयात में हम सरगर्म हो जाएं। आज हम सही वक्त पर सही काम किए। काउंट किया है, देखिए आजकल जो है ना सकाल के जरिए से यहाँ जो काम हो रहा है बेंगलुरु लेवल में देखा जाता है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कहीं किसी कामों में पीछे नहीं है। हम हर वक्त कौम की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए आगे हैं। अगर इस तरह उन लोगों का आरोप है तो ये बिल्कुल गलत है। बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आप ये कह रहे हैं कि चार ये पहली बार नहीं हुआ, एडवोकेट ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो लोग लात से मारे हैं, कितनी कंप्लेंट उनके ऊपर आपकी तरफ से? तो ये बहुत देर के बाद आया है मामला हमारे सामने, एसोसिएशन के सामने, आज जब एसोसिएशन नहीं, बात छोटी नहीं है, किसी की फिराक दिली से वो मामला अगर उन्हें माफ कर दिया। देखिए, उन्हें लात से मारा, सब एविडेंस आप DC ऑफिस के कैमरे में देख सकते हैं। नहीं, हमारे स्टाफ हैं, कई लोग गवाह हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सामने गया मामला, उसी वक्त उन्होंने वहाँ पर माफ़ी चाही, तो मामला वहीं पर रफा। और हम ऊपर से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हर हाल में जो है ना कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, अवाम के साथ हम जो ना निशाना बशाना कदम कदम चलना चाहते हैं, कहीं ये नहीं कि तसादम और टकराव पैदा करें, ये फिराक दिली है, लेकिन इसका गलत मतलब निकाल कर उन्होंने बार बार ऐसा किया है, आज काबिले बर्दाश्त नहीं है, और हम सही वक्त पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि आइंदा ऐसे कोई अनासिर हमारे ऑफिस में आकर ना सिर्फ मर्द आदमी बल्कि औरतों पर भी जो मजालिम हो रहे हैं इसकी रोकथाम हो, और ख़ास तौर से ये रविंदर हेब्बार जो जिनके तकरीबन 4 ऐसे पुरुष हमारे ही ऑफिस में हैं, न जाने और कितने और कई डिपार्टमेंट में होंगे, गवर्नमेंट इसका पता लगाए और इनको इससे संभल जाने के लिए हम आगाह करते हैं। अगर वो संभल जाए ठीक है, वरना और इनके खिलाफ आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक्शन लिया और उनके खिलाफ भी हम कंप्लेंट दें, वो भी FIR किया जाए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होने की सूरत में हम इससे और शिद्दत पैदा करते हुए और भी एहतजाज सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बल्कि हम